हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक इन ऑन अनदर डिवाइस, यानी कि आपका फ्री फायर जो अकाउंट है हैक हो गया है, या फिर आप अपना फ्री फायर अकाउंट को किसी दूसरा फ़ोन में लॉग इन किया है एंड उसके बाद आपका जो फ्रेंड है आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, मान लो कोई आप गेम प्ले करते हो एंड गेम खेलते टाइम वही जो फ्रेंड है या फिर हैकर आपका जो आईडी है लॉग इन कर लेता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको गेम प्ले करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप कैसे अपना ही डिवाइस से इसको लॉग आउट कर सकते हो एंड उसके बाद जो है आपका फ्रेंड या फिर हैकर लॉग इन नहीं कर सकते। सो आज का वीडियो यही जो है टॉपिक है। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है रुस्तम और आप सभी को अपना ही चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले कुछ डिटेल बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो यूजर नेम है मिस्टर रोज एंड यहाँ पे भी दिख रहा है मिस्टर रोज। ठीक है, यानी कि एक ही जो आईडी है दो दो फोन में एक ही साथ एक्टिवेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस फोन में जैसे हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे एंड ऑटोमेटिकली दूसरा फोन से लिखा आएगा योर अकाउंट हैज़ बीन लॉग इन ऑन अनदर डिवाइस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्या करना है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका मोबाइल में यानी कि आपका डिवाइस में एक काम करना है, एक नहीं तीन काम करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ से फेसबुक को ओपन करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थ्री लाइन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री लाइन, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। यानी कि जो डायरेक्टली बात बोले तो आपको सबसे पहले फेसबुक का जो पासवर्ड है चेंज करना है। तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेली मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना नहीं आता है तो चलिए शॉर्टकट बताते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना है एंड यहाँ पे थ्री लाइन में क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सेटिंग में क्लिक करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉग इन यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सिक्योरिटी एंड लॉग इन में क्लिक करोगे देन यहाँ पे आपको बहुत सारा डिवाइस देखने को मिलेगा, कौन सा डिवाइस में आपका जो है फेसबुक अकाउंट अभी भी लॉग इन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सी ऑल में क्लिक करना है। जैसे आप सी ऑल में क्लिक करोगे देन यहाँ पे आप देख सकते हो आपका फेसबुक अकाउंट कितना सारा डिवाइस में एक्टिवेट है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉग आउट ऑफ ऑल सेशंस। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि आपका अगर फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है एंड वही जो हैकर का मोबाइल से ही ये जो है फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हो चेंज पासवर्ड। तो सिंपली आप चेंज पासवर्ड में क्लिक कर लीजिए एंड चेंज पासवर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड डालना है एंड उसके बाद यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है, वही जो न्यू पासवर्ड यहाँ पे रीटाइप करना है एंड उसके बाद अपडेट पासवर्ड में क्लिक करना है। ये एक सिंपल सा बात है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करना है चलिए शुरू से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है, देन उसके बाद फेसबुक का होम पेज में आना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थ्री लाइन, फिर से आपको थ्री लाइन में क्लिक करना है एंड थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद नीचे आना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी। सिंपली आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है, उसके बाद फिर से सेटिंग में क्लिक करना है। तो जैसे आप सेटिंग में क्लिक करोगे देन ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐप्स एंड वेबसाइट्स में क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो आपको पासवर्ड चेंज करना है एंड उसके बाद आपको लॉग आउट ऑल सेशंस में क्लिक करना है एंड उसके बाद ऐप एंड वेबसाइट में क्लिक करोगे। तो जैसे आप करोगे देन ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है लॉग इन विद फेसबुक, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे एडिट में क्लिक करोगे देन ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये आईडी से आपका गारेना फ्री फायर जो है एक्टिवेट है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, टिक करना है। जैसे यहाँ पे टिक करोगे देन उसके बाद रिमूव में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे रिमूव में क्लिक करोगे देन आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल्सो डिलीट पोस्ट फोटोज एंड वीडियोस ऑन फेसबुक। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से ये दिख रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ से 48 आवर्स के बाद आपका मोबाइल में फ्री फायर को एक्टिवेट करोगे यानी कि ओपन करोगे देन आपका जो फ्री फायर आईडी है पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमूव में क्लिक करने के बाद आपको मतलब 5-10 मिनट के अंदर फिर से आपको फ्री फायर को लॉग इन करना है अपना ही डिवाइस में, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फ्री फायर है ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है।
तो सिंपली मान लो ये हैकर का मोबाइल है जो दूसरा फ़ोन आपको दिख रहा है, तो मान लो यहाँ पे हैकर ये फ्री फायर गेम का मतलब खेल रहा है, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आपको मतलब देखने को मिलेगा हैकर्स को, ठीक है। मान लो ये खेल रहा है और आपने फेसबुक का पासवर्ड भी बदल दिया एंड साथ में आप फ्री फायर को रिमूव भी कर दिया, उसके बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे हैकर का मोबाइल में फ्री फायर एक्टिवेट है। देन आपको यहाँ पे ध्यान का बाद आपको क्या करना है, आपका जो डिवाइस में अभी अभी मतलब डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्री फायर को ओपन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे देन हैकर्स का मोबाइल में या फिर आपका ब्लैकमेल वाला फ्रेंड का मोबाइल में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, योर अकाउंट हैज़ बीन लॉग इन ऑन अनदर डिवाइस, ठीक है। तो अगर मान लो हैकर ये फ्री फायर को क्लोज कर लेता है, मान लो ये हैकर यहाँ पे फ्री फायर को क्लोज कर लेता है, मान लो आपका हैकर या फिर जो है ब्लैकमेल वाला फ्रेंड्स एक बार फ्री फायर को क्लोज कर लेता है, ठीक है। पूरी तरीके से क्लोज करने के बाद जब फिर से ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हैकर को देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप यहाँ पे मतलब उस हैकर ने साइन इन विथ फेसबुक में क्लिक करेगा देन उसके बाद आप उस हैकर को मतलब क्या इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देखो मतलब उसका डायरेक्टली फेसबुक में आ गया है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि हैकर ऐसा इंटरफेस को देखने को मिलेगा। हैकर को यहाँ पे दो एक्टिवेट है, ठीक है, यानी कि एक हैकर का मोबाइल में जितना सारा फेसबुक है यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिलेगा उसको। एंड उसके बाद जैसे उन्होंने आपका आईडी में क्लिक करेगा ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपने आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है अपनी तरफ से मतलब चेंज कर दिया है। तो देन फ्रेंड्स वीडियो का टॉपिक यही है, यही एक सोल्यूशन है। अगर आपका फ्री फायर किसी दूसरा फ़ोन में एक बार एक्टिवेट हो गया है एंड हैकर्स मतलब लॉग आउट नहीं करते हैं और नहीं तो फ्री फायर को क्लोज नहीं करते एंड अगर आपने भी फेसबुक का पासवर्ड या फिर ऐप एंड वेबसाइट में जाके मतलब फ्री फायर का पूरी डेटा डिलीट कर नहीं दोगे तो हैकर आराम से आपका जो फ्री फायर आईडी है यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक सोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर एक कमेंट करके बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा क्योंकि हमारा आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।